हेलो व्यूअर्स, आज की केस स्टडी में हम पेशेंट की 9 मंथ्स की हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे। पेशेंट डिफ्यूज ग्रेड 3 ईयर बॉल्डनेस के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जिस वजह से पेशेंट की हेयर लाइन रिसीड हो चुकी है और फ्रंटल एरिया में थिनिंग विजिबल है। बॉल्डनेस की वजह से पेशेंट का लुक अब उतना अट्रैक्टिव नहीं रहा जितना कि बॉल्डनेस के पहले था, और हेयर लाइन रिसीड होने की वजह से फोरहेड भी वाइड हो गया है और पेशेंट का फेशियल फ्रेम कहीं खोसा गया है। लेकिन पेशेंट के मिड स्कैल्प और क्राउन रीजन में जो एग्जिस्टिंग फॉलिकल्स हैं वो हेल्दी हैं, और जो थोड़ी बहुत गैपिंग नजर आ रही है वो मेडिकेशंस और पीआरपी से ठीक हो जाएगी। पेशेंट का डोनर एरिया भी डेंसली पॉपुलेटेड है, जो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए हेल्दी फॉलिकल्स प्रोवाइड करेगा। पेशेंट की ट्राइकोस्कोपी और बॉल्डनेस एग्जामिनेशन के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के फेशियल फीचर्स के अकॉर्डिंग कस्टम शेप हेयरलाइन डिजाइन की है, जिसे फोरहेड के अपर पार्ट में मार्क किया गया है और ग्लैबुला पॉइंट से 7 सेंटीमीटर्स के प्रिसाइज डिस्टेंस पे क्राफ्ट किया गया है। एक परफेक्ट हेयरलाइन डिजाइन करना आर्टिस्टिक हैंड के थ्रू ही पॉसिबल है। हेयरलाइन के साथ पेशेंट का अदर अफेक्टेड एरिया भी मार्क किया गया है, जिससे इम्प्लांटेशन के टाइम पर डॉक्टर्स मार्क्ड एरिया में ही ग्राफ्ट्स इम्प्लांट करेंगे। प्रोसीजर के टाइम पर हमारे एक्सपर्ट्स ने हेयरलाइन जोन में सिंगल एंड थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए हैं। इससे हेयरलाइन में नेचुरल लुक क्रिएट होगा और फ्रंटल एरिया में डेंस और वॉल्यूमिनस लुक क्रिएट करने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने डबल एंड ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए हैं। इससे फ्रंटल एरिया में फुलर लुक क्रिएट होगा और पेशेंट को वाइब्रेंट हेड ऑफ हेयर मिलेगा। इस केस में टोटल 2500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए हैं, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से प्रिसाइसली एक्सट्रैक्ट किया गया है। ट्रांसप्लांट के 1 मंथ बाद जब पेशेंट ने फॉलोअप पीआरपी सेशन के लिए क्लिनिक विजिट किया, तो ट्रांसप्लांटेड रीजन में 80% शेडिंग हो चुकी है और डोनर एरिया भी कंप्लीटली हील हो गया है, और जो गैपिंग डोनर एरिया में विजिबल है वो अपकमिंग मंथ्स में कंप्लीटली इनविजिबल हो जाएगी। ट्रांसप्लांट के 3 मंथ्स बाद शेडिंग फेज ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है और फॉलिकल्स ग्रोथ फेज में एंटर कर रहे हैं। पेशेंट के फ्रंटल लुक से स्कैल्प पर एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ट्रांसप्लांटेड एरिया में 50% ग्रोथ हो चुकी है। इल्यूजन पेशेंट की हेयरलाइन के सभी फॉलिकल्स के ग्रोथ फेज में एंटर करने से विजिबल है, और अपकमिंग मंथ्स में हेयरलाइन और मच्योरली विजिबल होगी। ट्रांसप्लांट के 6 मंथ्स बाद हेयरलाइन पेशेंट के फेशियल फीचर्स को परफेक्टली फ्रेम कर रही है, और सिर्फ 6 मंथ्स में ही पेशेंट का यंग और एनर्जेटिक लुक वापस आ चुका है। फ्रंटल एरिया में भी वॉल्यूमिनस ग्रोथ विजिबल है। ट्रांसप्लांटेड और नेटिव हेयर्स सीमलेसली मर्ज हो चुके हैं। पेशेंट के ओवरऑल स्कैल्प पर वॉल्यूमिनस ग्रोथ विजिबल है और डोनर एरिया भी कंप्लीटली अनडिटेक्टेबल है, और स्कारिंग का कोई साइन विजिबल नहीं है, जो हमारे एक्सपर्ट्स के परफेक्ट एक्सट्रैक्शन हैंड्स की वजह से पॉसिबल हुआ है। ट्रांसप्लांट के 9 मंथ्स बाद रिजल्ट्स और भी ज्यादा मच्योर हो गए हैं। पेशेंट की हेयरलाइन अब और अच्छे से पेशेंट के फेशियल फीचर को फ्रेम कर रही है। फ्रंटल एरिया में भी फुलर लुक क्रिएट हो चुका है और पेशेंट के स्कैल्प पर कंप्लीट ग्रोथ विजिबल है, क्योंकि हेयर फॉलिकल्स अब और भी ज्यादा थिक हो चुके हैं। पेशेंट अब अपने अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल कर सकते हैं और कॉन्फिडेंटली सोशल गैदरिंग्स अटेंड कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट के 9 मंथ्स बाद रिजल्ट्स कमेंडेबल हैं, और अपकमिंग मंथ्स के रिजल्ट्स भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर पेशेंट की तरह आप भी अपना यंग और एनर्जेटिक लुक वापस पाना चाहते हैं, तो अभी QHT क्लिनिक के एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। और अगर आपको पेशेंट की जर्नी इंस्पायरिंग लगी हो तो वीडियो लाइक और शेयर करें।
Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.